दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिकेटर पर जाना है। इंडिकेटर पर जाने के बाद में आपको इंडिकेटर की सेटिंग भी करनी पड़ेगी, तो सेटिंग भी बताएंगे क्योंकि इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो काम नहीं आती। यहाँ आपको MACD लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इंडिकेटर पर जाना है और इंडिकेटर पर जाने के बाद में आपको यहां पर लिख देना है सुपर सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड। अब ये सुपर ट्रेंड अपने आप काम नहीं आएगा, ठीक है, सुपर ट्रेंड में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ये सुपर ट्रेंड लिखकर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इंडिकेटर पर टच करना है और यहां पर आपको MA लिखकर टच करना है, यहां पर मूविंग एवरेज आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इंडिकेटर पर जाना है। अभी सारी सेटिंग आपको बता दूंगा किस तरीके से आप इंडिकेटर की सेटिंग करेंगे। और यहां पर आपको लिखना है EMA, ठीक है, और इसको टच कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इंडिकेटर पर जाना है और यहां आपको लिख देना है RSI, ठीक है, इस पर टच कर देना है। तो इस तरीके से ये आपको इंडिकेटर लगा लेने हैं और ये इंडिकेटर लगाकर आपको ट्रेड करना है। आप जब ट्रेड करेंगे, इसकी सेटिंग आपको बताता हूं, तो आप ये सारे इंडिकेटर लगा लोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा आपको, एक ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। सुपर ट्रेंड पहले यहां रहता है, फिर बताएगा कि नीचे को ट्रेड करना है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी, फटाक से सुपर ट्रेंड यहां नीचे से ऊपर की तरफ दिखने लग जाएगा। आपको इतना कंफ्यूज करेगा ना आपको कि आप एक भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर ट्रेड RSI कहेगा ट्रेड ले लो, इंडिकेटर कहेगा, सुपर ट्रेंड कहेगा नहीं लेना है, EMA कहेगा ले लो, तो आपका MACD कहेगा नहीं लेना है। कंफ्यूज रहोगे, एक भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर लिया भी तो गलत एंट्री हो जाएगी, ये सारे इंडिकेटर आपके काम नहीं आएंगे। अगर इंडिकेटर में इतना ही दम होता तो ये इतने सारे इंडिकेटर हजारों ना बनते, समझ रहे हो बात को। और अगर इंडिकेटर मान लो काम करते, ठीक है, इंडिकेटर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, लेकिन उसके पीछे कुछ सेटिंग होती है, कुछ लॉजिक होता है, उसके बाद इंडिकेटर काम करते हैं। तो सिर्फ आपको एक इंडिकेटर लगाना है, ये सारे इंडिकेटर हटा देने हैं। अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना है, मार्केट में टिकना है ना, लॉस तो बाद में रिकवर करना, पहले अपनी कैपिटल को बचाओ। अपनी कैपिटल को बचाना है तो सबसे पहले आप सारे इंडिकेटर हटा दो, ठीक है। और आप देखिए, सिंपल आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा, एक उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंडिकेटर अगर आप बिगिनर हो, नहीं समझ है, तो उस इंडिकेटर की आपको जरूरत पड़ेगी जो आपको इंडिकेटर बताऊंगा और उसकी कुछ सेटिंग बताऊंगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर नहीं हो, ठीक है, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, तो शुरू शुरू में आपको 2-4-6 महीने आपको इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंडिकेटर आप सिंपल प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करोगे। तो सबसे पहला काम, अगर देखो लॉस कवर करना है ना, तो वीडियो को ध्यान से देखो कंप्लीट, बिना स्किप किए हुए। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, तो अभी टाइम नहीं है तो सेव करके रख लो या बाद में देख लेना, लाइक करके रख लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बाद में देख लेना, लेकिन टाइम है तो ध्यान से इस वीडियो 10-15 मिनट 20 मिनट दीजिए और आप देखेंगे कि आप मतलब आपको समझ में आएगा कि आज आपको क्या सीखने को मिल गया है। बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, अपना एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे साथ में, क्योंकि हमने भी लॉस किया है, लगातार एक साल तक लॉस किया। देखो पहला काम आपको करना है कि आपको अपना लॉस भूल जाना है। अच्छा, लॉस जो हमने किया है वो हमने किया है एंजल वन में, पता नहीं मतलब कमाल की एप्लीकेशन थी, जो भी था, हम ट्रेड जब लॉस होता एग्जिट करते तो फटाक से एग्जिट हो जाता उसी जगह पे, और जब प्रॉफिट होता, प्रॉफिट हम एग्जिट मार रहे हैं 2000 रुपए पे, एग्जिट हो रहा है वो जाके 1100 रुपए पे, तो ये नहीं समझ आता था। इस चक्कर में उसको हमने बंद कर दिया और अब जीरोधा के उसमें करते हैं, और ये जीरोधा में ही आप देख रहे हैं, ठीक है, जीरोधा का ही हमने ओपन किया हुआ है, इसी में आपको समझा रहे हैं। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जीरोधा डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। वैसे तो आप सबने ओपन कर ही रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए सीधा, आपको पहला तो अपना नुकसान भूल जाना है, पहला काम, एक नुकसान जितना भी आपको लॉस हुआ है ना उसको भूल जाइए। अगर उसको दिमाग में रख के आप ट्रेड करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट सही जगह आप नहीं कर पाओगे, गलत जगह एंट्री। अच्छा, प्रॉफिट बन भी जाएगा तो पछताते रहोगे, यार क्या प्रॉफिट बना है, कुछ नहीं, अभी तो इतना लॉस पड़ा है, इंजॉय नहीं कर पाओगे, पॉजिटिविटी नहीं आएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो लॉस को भूल जाना है और फ्रेश तरीके से आपको काम करना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको काम करना है, समझ रहे हो। बस पहला काम तो आपका ये है, अब समझते चलिए। और दूसरा, हमने आपको यहां पर जो लिख रखा है ना, ये लिखा हुआ है, सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करना है, सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर बताएंगे, उसकी सेटिंग भी बता देंगे, उसकी बस, उसके अलावा दूसरे इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर दूसरा तीसरा इंडिकेटर आप घुसाए बीच में, तो फिर जितने मर्जी कर लो, हजारों इंडिकेटर पड़े हुए, इससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है।
लेकिन जो इंडिकेटर हम बताएंगे उसको आप आजमा कर देखिएगा, बैक टेस्ट करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, जैसा भी आप करना चाहें। सिर्फ आप 20 दिन इस सेटअप को देकर देखिए जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, सिर्फ 20 दिन हमारे मतलब आप इसको देखकर देखिए जो हम आपको कह रहे हैं, 20 दिन हमारे कहने से आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे। 20 दिन पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस, आपका अपना कॉन्फिडेंस ही पैसा बनाकर देगा, दूसरा कोई कितना भी बता ले, कितना भी समझा ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, नुकसान भूल जाना है, दूसरा एक ही इंडिकेटर लगाना है, तीसरा अभी भैया कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, कॉपी ले लो, ठीक है, कॉपी ले लो और कलम ले लो, कॉपी और कलम लेकर बैठो, जो पॉइंट बताएंगे, 2-3 पॉइंट बताएंगे, ज्यादा आपको पॉइंट नहीं बताने हैं, उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लाइव भी टेस्टिंग करेंगे मार्केट में, लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है, बैक टेस्ट करके भी दिखाएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे। तो ये तीन काम आप कर लो, फिर वीडियो देखना शुरू करो। तीन काम जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक तो नुकसान को आपको भूलना है, दूसरा एक इंडिकेटर लगाना है वो बताएंगे, और एक कॉपी और पेन लेकर, बिना कॉपी पेन के वीडियो देखोगे तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। आप बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी, कोई फायदा नहीं होता, फायदा इसीलिए नहीं होता, कॉपी पेन आपको एक लेना है, कॉपी और कलम आपके पास होनी चाहिए। अब बात को समझिए, करना क्या है, कॉपी और कलम आपको ले लेनी है। सबसे पहला रूल, जिस दिन से भी आप पेपर ट्रेड करोगे, पहली कंडीशन है, जिस दिन से पेपर ट्रेड करोगे आपको लिखना है, क्या लिखना है वो अभी बताते हैं और अभी दिखाते हैं, बताना नहीं है, अभी दिखाता हूं आपको कि क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है, अभी यहां पर लिखा नहीं जा रहा, आप इसको रहने दीजिए, बस आपको लिखना है और क्या क्या लिखना है वो आपको बताता हूं। देखो, लिखना है आपको, अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और चीजें आपको सारी लिखनी है, तारीख लिखनी है, जिस दिन ट्रेड आपने लिया उस दिन ट्रेड आपको लिखना है, ठीक है, और ट्रेड लिखने के बाद में आपको ये भी लिखना है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, ये आपको दो सवाल लिखने लिखने हैं, ट्रेड आपको लिखना है कि क्यों लिया, क्या सोच कर लिया, कौन से सेटअप पर लिया, ये ऐसे ही तुक्के से ले लिया, जो भी सोच कर लिया, अगर आपको जो भी लग रहा था वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपको लग रहा था, कुछ तो लग रहा होगा ना, कुछ लग रहा होगा उसी वजह से आपने ट्रेड लिया, या कोई सेटअप बन रहा होगा, कुछ दिखा होगा आपको, जो भी दिखा, अच्छा बुरा, या आपको कुछ भी नहीं आता, जैसा भी आपको एहसास हुआ हो वैसा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी कॉपी चेक करने नहीं आ रहा है, उसके नंबर नहीं कटने हैं आपके, ठीक है, तो लिखिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया। उसके बाद जब ट्रेड देखो, चार्ट जब लाइव चल रहा होगा तब तो समझ में आएगा नहीं इतना, ठीक है, लाइव चार्ट में समझ में नहीं आता, लाइव चार्ट में अच्छे अच्छे जो है अच्छे अच्छे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, तो लाइव चार्ट में तो पल्ले पड़ेगा नहीं, तो लाइव चार्ट में आपको जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी है उसको लिखिए। उसके बाद देखो, चार्ट बनने के बाद तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा ना, सब चीजें समझ में आ रही होंगी, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि चार्ट बना हुआ है तो सब कुछ समझ में आ रहा है, चार्ट बनने के बाद आपको अच्छे से समझ में आने लग जाता है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ठीक है। चार्ट बनने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, चार्ट बनने के बाद देखते नहीं हो, कहते हैं भाई आज तो मार्केट हो गई, बंद कर दिया, उसके बाद चलो फिर अब कल देखेंगे, फिर अगले दिन मार्केट ओपन होती है, फिर वो शुरू हो जाते हैं कि चलो अब देखते हैं क्या करते हैं, वो लाइव मार्केट में ही बस जो करना होता है कर रहे होते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपका होमवर्क है, रात को रोज चार्ट को देखा कीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए, और कैसे देखना है वो हम आपको अभी बताएंगे आगे कि किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आपको ये करना है कि आपको लिखना है ट्रेड क्यों लिया, दूसरा काम, ट्रेड आपका अगर एसएल हिट हुआ, ठीक है, अगर एसएल कट गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ वो आप बाद में रिसर्च करेंगे, बाद में देखेंगे कि आखिर एसएल क्यों कटा। तीसरी चीज आपको और लिखनी है कि अगर टारगेट मिला तो क्यों टारगेट मिला, और साथ सबसे, ये तीन पॉइंट आपको लिखने हैं, और सबसे जरूरी बात नोट बनाकर लिख लेना है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये लिखना है कि अगर क्या आप एसएल तक रुके, आपने एसएल लिया, मान लीजिए आपने यहां पर एसएल लगाया था, ठीक है, जैसे आज हमारे साथ हुआ, ठीक है, हमने ये वाला हैमर देखकर ट्रेड किया, क्योंकि एक वीडियो आपने हमारी देखी होगी रेजिस्टेंस सपोर्ट पर हैमर, अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो है, ये थंबनेल लगा हुआ है, देख लीजिएगा इस वीडियो को, जो सपोर्ट पर हैमर बनता है उसको हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड लेते हैं उस पर, और वो बहुत अच्छा काम करता है, बैक टेस्ट हमने किया हुआ है, फ्रंट टेस्ट भी किया हुआ है, हमें भरोसा है उस पर, मतलब ठीक है, बहुत 70-75% एक्यूरेसी है, तो वो हैमर हम सपोर्ट पर ट्रेड हम हैमर का करते हैं, अब आपको दिखाता हूँ प्रीवियस डे के सब जो क्लोजिंग होती है ना उसके पास जब हैमर बनता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हैमर बना था, इसको चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देख लीजिए, ये प्रीवियस डे है,
ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, और इससे नीचे इसके पास यहाँ पर हैमर बना, ठीक है, और यहाँ भी एक हैमर बना हुआ था ये वाला, ठीक है, पिछली मार्केट में। तो ये आज की मार्केट दिखा रहे हैं आपको, तो ये वाला हमने हैमर ट्रेड किया, और इस हैमर पर जब हमने ट्रेड किया तो इसका नीचे का हमने यहाँ पर एसएल रखा, ठीक है, एसएल रखा। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे करती रही, यहाँ तक गई, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, और यहाँ पर एसएल हमारा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर एसएल रखा हुआ था तो हिट हुआ। ये एसएल जब यहाँ कट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएल नहीं कटा था, इस रेड वाली कैंडल पर हम निकल गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था मार्केट में और थोड़ा सा काम भी था मेरे को पर्सनल, इसलिए। उसके बाद जब ये दूसरा हैमर बना, ये वाला हैमर देखिए, ये वाला हैमर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट के पास ये हैमर काम कर रहा है, और फिर ये हैमर बना है, तो ये हैमर देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मतलब इस हैमर ने दिया। तो ये चार्ट बनने के बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा ना, पहले नहीं समझ आएगा तो पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले भरोसा करने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड करने पड़ेंगे, और छोटे ट्रेड जब लोगे अपने रिस्क के हिसाब से, औकात के हिसाब से क्वांटिटी लोगे, तभी आप एसएल तक वेट कर पाओगे। और एसएल तक वेट करोगे, मान लीजिए इसमें हमने एंट्री ली थी, ठीक है, और यहां तक प्रॉफिट दिखाया, फिर ये रेड कैंडल बनती है, अब यहां लोग घबरा जाते हैं, तो पीएनएल मत देखा कीजिए, आप अपना एंट्री सिर्फ यहां पर रख लीजिए, उसके बाद कैंडल देखिए, पीएनएल देखोगे, प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, 500 गया, 700 है, 800, तो फिर रुक नहीं पाओगे मार्केट में। उसके बाद देखिए जैसे ही रेड कैंडल बनेगी, लॉस कम होगा, तो वहां पर निकल जाते हैं नए ट्रेडर, ठीक है। आपको दिखाता हूं क्या करना है, चार्ट को ऑब्जर्व करना आपको सिखाते हैं। देखिए उसके बाद जो इंडिकेटर लगाना है, उस दूसरी एंट्री मान लीजिए यहां से इस वाले पर, इस वाली कैंडल पर हुई, ठीक है, ये शूटिंग स्टार बनी रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप देखना पीछे से सीख सकते हैं, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लीजिए, जहां पर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया ना, जैसे यहां पर, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर जाती है, सपोर्ट भी इसी तरीके से तैयार होता है, जैसे ये वाला सपोर्ट जोन है। अब यहां पर मान लीजिए एंट्री ली और ये एसएल रखा हुआ, ठीक है, अभी इस वाली कैंडल पर एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट यहां तक नीचे आती है। अब आपको चमत्कार दिखाता हूं, यहां पर आप आएंगे, ये देख लीजिए, यहां एंट्री हुई मान लीजिए, ये शूटिंग स्टार देखकर, रेजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, और ये हमारी एंट्री यहां कितने कितने पर होती है, ये एंट्री होती है 41,028 पे है, तो 41,000 का पी हमने पुट ऑप्शन खरीदा। अब आप कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे वो आपको समझाता हूँ, देखिए चार्ट को देखना सीखिए पहले, 41,900 वाला पी हमने खरीदा, ठीक है, 41,000 का पी, ये वाला 41,000 का पी। अब आपको देखिए चमत्कार अभी दिखाता हूँ आपको, आप देखेंगे अभी कैसे हैरान हो जाएंगे, 41,000 का पी का ये हमने ऑप्शन का चार्ट लगा लिया है, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये हमारी एंट्री हुई है इस वाली रेड कैंडल पर 12:30 के आसपास, ठीक है, 12:30 वाली कैंडल में 41,000 के पी पर हमने एंट्री ली। उसके बाद आप यहां आ जाएंगे, ठीक है, 12:30 के आसपास यहां पर आपने कहीं एंट्री ली है, ठीक है, 12:30 पर, और यहां आपने एंट्री ली, इस वाली कैंडल पर एंट्री हुई है 181, और ये जब ब्रेक हुई है यहां कंसोलिडेट हो गई मार्केट, फिर यहां पर एंट्री हुई थी, ठीक है, 192 के आसपास। अब यहां पर आपने 192.95 पर एंट्री ली और यहां नीचे एसएल रख दिया, ठीक है। अब यहां मान लीजिए एंट्री होती है और यहां तक मार्केट गई, अब मार्केट यहां पर ये पिछले दिन का सपोर्ट आप देखिए कैसे रुकोगे आप मार्केट में, यहां देखिए पिछले दिन का ये सपोर्ट है, तो यहां जैसे ही यहां पहुंची है ना मार्केट यहां पर, ये देखिए, फिर यहां ये देखिए ये वाला हिस्सा यहां पर टाइम बिताने लग गया, यहां पर प्राइस रुकने लग जाता है, फिर यहां पर ट्रेडर घबरा कर निकल जाता है, चलिए निकल गए आप कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप देखेंगे आप जब इसको ब्रेकआउट देती है मार्केट, ये प्राइस रेंज वाला चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट नहीं है, ये इधर चल रहा है स्पॉट का चार्ट, हमारी एंट्री यहां पर हुई है यहां पर, ठीक है। फिर ये मान लीजिए 1:10 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है और यहां पर थोड़ा सा लॉस दिखना शुरू होता है। अब आप यहां रुकेंगे, मार्केट रिवर्स होगी या नहीं होगी, इसका पता कैसे लगेगा आपको, इसका पता आपको ऐसे लगेगा, यहां से अगर मार्केट देखिए 1:20 पर रिवर्स होना चाह रही है, मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, यानी पीई में आपका नुकसान होना चाहिए 1:20 के आसपास, देखिए 1:10 और ये 20 मिनट, ये वाली कैंडल देखिए बन रही है। अब यहां मार्केट प्राइस रुक रहा है, अब प्राइस अगर यहां पर देखो रुक रहा है, तो रुकने का मतलब सीधा सा आप समझोगे अभी कि यहां पर, अब अगर तो ब्रेकआउट देकर नीचे आ जाता है प्राइस, ठीक है, तब तो आपको एग्जिट मारना है, लेकिन अगर यहां पर कंसोल 1-2 कैंडल बन के और इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा से एंट्री कहां पर ले सकते हैं, दोबारा से एंट्री आप यहां पर लेंगे, अभी आपको दिखाता हूं चमत्कार, ये देखिए यहां पर प्राइस रुक रहा होता है,
इस टाइम के आसपास से 1:20 के आसपास, और यहाँ पर ये कैंडल बनती है, फिर आप दोबारा से यहाँ एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ वाले चार्ट पर आप देखेंगे, अभी चमत्कार देखिए यहाँ पर कैसे होता है, चीज़ें कैसे समझ में आएंगी आपको। यहाँ जब प्राइस रुकता है और यहाँ निकलता है, तो अब यहाँ देखिए आप ये वाला टारगेट रख सकते हैं पहला, ठीक है, ये टारगेट, ये वाला हिस्सा आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये प्राइस यहाँ तक गया है, कैसे, ये चार्ट बने हुए पे पता लग रहा है आपको, ठीक है, बने हुए चार्ट से पहले भी आप पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगेगा अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप चीजें अभी नहीं दिख रहा ना, अभी देखिए आपको आप खुद बताएंगे कि यहाँ तक प्राइस पहले आप बता सकते थे, ठीक है। और ये लगाया हुआ था, हमने लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन बहुत लंबी 3 घंटे की रिकॉर्डिंग बन गई थी यार, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करो, इसको कर दिया 15 मिनट। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कुछ, अब आपको पता लग रहा होगा कि यहां से जब ये वाले हिस्से से जब प्राइस निकलेगा, ये वाले हिस्से से जब प्राइस टूटेगा, यहां से निकलेगा तो कहां जाएगा, पहला यहां जाएगा, और यहां से अगर निकला तो कहां जाएगा, कहां तक जा सकता है, यहां तक, देख रहे हो, और प्राइस एग्जैक्ट इसी पॉइंट तक गया है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आप कंसोलिडेट कर सकते हो, एग्जैक्ट इसी पॉइंट तक प्राइस गया और उसके बाद यहां से रिवर्स मार गया। अब यहां पर मान लीजिए ये कितने बजे की कैंडल है, एक ही कैंडल ने आपको बहुत अच्छा मूव दिया है 2:15 के आसपास। अब यहां देखिए 2:15 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है, देखिए कितना अच्छा मूव मिला है आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर 2:20, अब यहां अगर कोई देखे कि ये बड़ी वाली कैंडल बन गई है, ठीक है, अब कोई सोचे कि ये बड़ी कैंडल बन गई है, अब जो है सेलर हावी हो गए, अब हम खरीद लें क्योंकि डे लो के नीचे चल रही है। अब बहुत से दिमाग लगाते हैं लोग, आपको दिखाता हूं चीजें, देखिए यहां पर ये डे लो के और प्रीवियस डे को भी ब्रेक कर गई, ये देखिए ये डे लो था, इसको भी ब्रेक कर गई, तो अब यहां पर सोचोगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी मार्केट बन गई है, सेलर हावी है, लाओ हम पुट खरीद लें। तो अब यहां पुट खरीदोगे तो ट्रैप हो जाओगे कि नहीं ट्रैप हो जाओगे, और ट्रैपिंग कैसे होगी आपकी, सिंपल है, आप जो प्राइस आप जिस जो स्पॉट प्राइस खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, उसका चार्ट लगाओ, ये देखो, ठीक है, यहां से ग्रीन कैंडल बनने लगी, मार्केट रिमूव कर रही, वापसी जा रही है, और वापसी क्यों जा रही है, यहां आप देखिए ना 2:20 पे ये वाली कैंडल बन रही है, 2:20 पर, 2:15 वाली, ठीक है, 2:15 2:20 पे। अब यहां देखिए ये बनी है 2:15 पे, उसके बाद ये 2:20 पे बनी है, अब यहां तक प्राइस गया था, यहां तक 365 370 75 के आसपास, और ये 375 के आसपास गया। अब ये प्राइस जब 375 के आसपास गया है तो यहां से रिवर्स मार गया ना, अब यहां इसके ऊपर कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, इसको भाई ये एक्सपायरी तक इसको जीरो भी तो होना है, ठीक है, समझा कीजिए, एक्सपायरी तक मैनेज करना है इसको प्राइस को। तो अब ये देखिए ये पूरा का पूरा यहां पर हाई है, और ये 5 अप्रैल का, अब यहां बिल्कुल एग्जैक्ट सब यहां शूटिंग स्टार बनी हुई है, यहां रेजिस्टेंस है, तो यहां से प्राइस वापसी आया। अब यहां इस चीज से आप समझ सकते हो कि यहां पर आपको एंट्री नहीं लेनी है 2:15 पे, भले ही यहां कितनी बड़ी कैंडल बन गई हो, इससे आप ये चीजें देखा कीजिए। अब आपको इंडिकेटर बताता हूँ थोड़ा, तो दो चीजें हमने आपको बता दी, एक तो आपको चार्ट देखना है स्पॉट का, ठीक है, और वहां पर जो आप इंडेक्स का चार्ट जो देख रहे हो, ठीक है, इंडेक्स का चार्ट देखना है, उसके बाद जो ऑप्शन आप ट्रेड करोगे उसका चार्ट भी आपको देखना है, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करोगे उसका भी चार्ट देखना है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ निकलना है या रुकना है या क्या करना है, प्राइस कितना आगे जा सकता है, कितने प्राइस तक आपको रुकना है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को सिंपल समझते चलिए, प्राइस को पढ़ना सीखो, भाव को पढ़ोगे तो भाव आपको मिलेगा, ठीक है, भाव को पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना आपको, इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं है यार, जितना इंडिकेटर लगाओगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे, चार्ट को देखो बस, और कुछ मत कीजिए, चार्ट को देखना शुरू कर दीजिए। पहले नहीं समझ आता, लाइव मार्केट में नहीं समझ आता, बाद में तो समझ आएगा ना, चार्ट बनने के बाद तो समझ आएगा, बनने के बाद देखना शुरू करो, 6 महीना आप बनने के बाद चार्ट देखते रहो, आपको बनने से पहले अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मान लीजिए अब जैसे रेजिस्टेंस का ये प्रीवियस डे के पास में, प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे या प्रीवियस डे के लो पर अगर हैमर बनता है तो ये हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, ये हम ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले 3-4 महीने से इसको देखते आ रहे हैं, जब भी बनता है तो ये 70 और 80 बार, 100 बार बना है तो 70-80 बार काम करता है, तो हमने देखा इसको। तो ऐसे ही जब आप चार्ट को देखते रहोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। रजिस्टर पर शूटिंग स्टार जैसे ये वाली, ठीक है, अब ये SL यहाँ पर ड्राएगी, SL हिट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार SL हिट हो गया तो अगली बार आपको मिलेगा टारगेट, 2 बार 3 बार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना सीखिए ना। तो जब आप चार्ट को बने बनाए चार्ट को तो देखोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑब्जर्व कीजिए, सबसे जरूरी चीज है कि लिखना,
लिखिए कि आज ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया तो क्यों किया, और प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। प्रॉफिट में नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, लॉस में लिखो कि लॉस क्यों हुआ, उसको ऑब्जर्व करो अपनी गलती को। अपने आप को 3 महीना आप लिख कर देख लीजिए, आप अपने आप में इतना बदलाव महसूस करेंगे जो पिछले 3 सालों में आपने महसूस नहीं किया होगा। ठीक है, बिना मतलब कि आप 3 साल लगे रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ढंग से चीजों को समझते हुए 3 महीने भी कर ले गए तो आपके अंदर अपने आप समझ आने लग जाएगा, बदलाव दिखने लग जाएगा। जैसे ये देखिए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, अब इसके आसपास अगर हैमर कहीं बने ना तो उसको हम ट्रेड करते हैं। ये मतलब हमारा पर्सनल व्यू है, हम आपको नहीं कह रहे कि ट्रेड कीजिए। आपको अगर ट्रेड करना है तो पहले बैक टेस्ट कीजिए, सौ ट्रेड जो हम कि अक्सर बोलते हैं, उसके बाद फ्रंट टेस्ट कीजिए, ठीक है, 90 ट्रेड, उसके बाद छोटे लॉट से कीजिए या पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जैसे अब यहाँ पर अब ये देखिए, ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है, अब ये हमने ट्रेड किया था। इस तरीके का हैमर हम अक्सर ट्रेड करते हैं और कई बार मतलब वन वे मूव मिलता है और बहुत बड़ा मूव मिलता है, और मिला तो इसमें भी आप देख ही रहे हो, यहाँ पर मिला, उसके बाद ये वाली कैंडल ट्रेड की थी यहाँ तक। तो ये चीज़ें आप समझते चाहिए। अब ये हैमर अगर आप देख रहे हो हैमर, ये हैमर ट्रेड करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये हैमर क्यों ट्रेड कर रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसका, हैमर का। यहाँ अब ट्रेंड में जाके हैमर बन रहा है तो उसका क्या करोगे, वो हैमर थोड़ी गाएंगे, उसको हैंगिंग मैन पैटर्न हो गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप मतलब देखो, अब ये तो हम कह नहीं रहे कि सारी चीज़ें हमें ही आती हैं या सारी चीज़ें आपको ही आती हैं। जैसे यहाँ पर हैमर दिखा देते हैं आपको, ये हैमर बन रहा है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है और ये हैमर बना है, तो ये हैमर ट्रेड होगा। देखो बढ़िया प्रॉफिट निकला है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार प्रॉफिट निकलेगा, कई बार एसएल भी कटेगा। आप देखिए वन बे 1 2 3 4 कैंडल, 3 2 2 4 कैंडल लगातार ग्रीन बनी है, रेड बनती है यहाँ पर निकल जाओ, कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग कर लोगे। अगर आपके पास स्कैल्पिंग नहीं करनी, आपको होल्ड करना है तो होल्ड करके भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। बस अपना एक्सपीरियंस जब आप यूज़ करोगे तभी होगा। अब आपको इंडिकेटर बता देता हूँ, इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना है। इंडिकेटर देखो, कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करना। अगर आपको करना है तो जैसे हम पर्सनली यूज़ करते हैं जो इंडिकेटर, हम वही आपको बता देते हैं। EMA यूज़ करते हैं हम, EMA के अलावा कोई इंडिकेटर हमें ना तो पसंद है, मतलब हमने बहुत से इंडिकेटर ट्राई किए हैं लेकिन कोई इतना मज़ा आता नहीं है। ठीक है, EMA आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको लगा लेना है, और ठीक है इसका इंडिकेटर ये लगा लेना है, और इसकी सेटिंग यहाँ 9 रहती है। इसको चाहो तो 9 भी रख सकते हो, चाहो तो 5 भी रख सकते हो। 5 रखोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और आपको पता ही है 5 EMA जो EMA में 5 की सेटिंग है, ये उन्होंने अपना क्या नाम है, पावर ऑफ स्टॉक के सुभाषीष नाम है, उन्होंने इसकी रिसर्च किया है, मतलब उनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उन्होंने बताया, तो उसके बाद हमने भी इस पर बैक टेस्ट किया, फ्रंट टेस्ट किया, तो ये अच्छा काम करता है तो इसलिए हमें भी पसंद है। तो यही इंडिकेटर हम पर्सनली यूज़ करते हैं। अब ये जो ट्रेड हमने आपको बताया था, ये देखिए 5 EMA पे एग्जीक्यूट हुआ था और ये अच्छा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जिट कर गए थे, कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, और ये प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट क्योंकि था। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट निकला है, दूसरी बार एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, और यह आप चीज़ों को चार्ट को हमने देखना आपको बता ही दिया, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, फिर देखिए कहाँ तक जाएगा, ये आपने देखा। अगर आप ऐसे देखोगे ना, देखो एक दिन में नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको जो चीज़ें बताई हैं उसको करना शुरू कीजिए, आप देखोगे कि कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर आ रहा है। बस सिर्फ यही तरीका है अपने लॉस को रिकवर करने का, नुकसान को भूल जाना है। इंडिकेटर सिर्फ एक लगाना है जो हमने बता दिया, आप अपना लगाना चाहें तो अपना भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आप इंडिकेटर लगाना चाहें, जो भी इंडिकेटर आपको पसंद हो, ठीक है, जो भी इंडिकेटर आपको पसंद हो उसको आप लगा सकते हैं। और लिखना सबसे जरूरी चीज है। बस अब इस वीडियो से सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि आपको लिखने के बारे में पता लगा है कि लिखना है, और पता तो ये आपको पहले ही रहा होगा। लिखते हैं आप कि नहीं लिखते, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।